अच्छा, आप लोग भी कुछ अपनी बात को रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। आप क्या कहना चाहती हैं, बोलिए। मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहती हूं, आप अपनी बात को रखिए, बोलिए। मैं एज अ फीमेल वोटर आपको क्यों वोट दूं, बीजेपी को वोट ना देके? एक जगह वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे पॉलिसीज ला रहे, और एक तरफ आप है कि अपनी पार्टी को बचाने के चक्कर में आप ये तक नहीं बोल पा रहे कि स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हमारे देश में महिलाओं के साथ इतना गलत होता है, आखिर वुमेन एम्पावरमेंट पे कोई कदम क्यों नहीं उठाया जाता? ये पॉइंट आपका अच्छा है, ये सब नेताओं से सवाल है। पॉइंट ये है कि क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकली आप बीजेपी पे कुछ भी ब्लेम करें, लेकिन स्वाति मालीवाल के विषय पर आपके सांसद संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद ये मामला सार्वजनिक हुआ। उससे पहले तो कहीं सुनी बात थी, उसके बाद ये मामला सार्वजनिक हुआ। या तो संजय सिंह तब झूठ बोल रहे थे या आम आदमी पार्टी अब झूठ बोल रही है। झूठा कौन है, इन एक को चुनना पड़ेगा। हमने सीसीटीवी लगवाए पैरेंट से ज्यादा, इनके एलजी इनके एलजी के घर में बैठ के थप्पड़ पड़ा, वहां सीसीटीवी नहीं है। ये थप्पड़ आपको भाजपा ने रखवाया है प्रियंका। लेकिन जो प्रश्न जो ठीक, मेरा जो सवाल था उस सवाल का भी जवाब दीजिए। या तो संजय सिंह गलत है या पार्टी अब आपकी गलत बोल रही है। मेरी पार्टी एकदम कट्टर ईमानदार पार्टी है। उस टाइम तक जो वीडियोस बाद में सामने आई जिसमें स्वाति मालीवाल कह रही है गंजे मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगी, जिसमें स्वाति मालीवाल कह रही है तो वो कुछ तो बोलेगी वहां पर, नहीं कुछ नहीं बोल रहे, बाकी सब आराम से बात कर रहे हैं। आप महिलाओं करके इस तरह की बात कर रही हैं। प्रोग्राम ऐसे जी बोलिए कि प्रियंका कक्कड़ जी के साथ भी कभी आम आदमी पार्टी है हरकत करेगी तो हम ही लोग लड़ेंगे इनके साथ। मैं आपको बता रही हूं, अगर आपके साथ भी ऐसा होगा तो बीजेपी मतलब इंडिया खड़ा रहेगा। आप मेरी चिंता मत छोड़ दीजिए, आपकी पार्टी जिसको आप सहयोग कर रहे हैं। सर आपको तो बुला भी नहीं रहे आजकल स्टेज पे प्रधानमंत्री मोदी नीतीश कुमार जी को। सुनिए, राहुल गांधी ने दिल्ली में लात मार दी, आई लव यू करके दिल्ली में लात मार दी, शर्म नहीं आई? पंजाब में चन्नी बोल रहा है ये केजरीवाल शराब घोटाले बाद, दिल्ली में लव यू कर रहे हैं, पंजाब में मारपीट पड़ रही है, राहुल गांधी ने छोड़ दिया। अच्छा ठीक है, आप अपनी बात को रखिए। आप ये अब मुद्दे घूमते रहेंगे, आपने बहुत सारे मुद्दे उठा दिए। पहले तो शराब घोटाला जैसा कोई चीज है नहीं, 60 करोड़ भाजपा को मिला है, 60 करोड़ भाजपा को मिला, उस पर कार्रवाई कराइए। कैसे बेल होगी? पहली चीज, भाजपा ऐसे गुंडे मवालियों की पार्टी है कि बर्नार्ड मारक जैसे इंसान को जो बच्चों का वेश्याघर चलाता है उसको मेघालय में टिकट देती है। भाजपा ऐसे गुंडे मवालियों की पार्टी है कि जहां महिला उत्पीड़न ब्रजभूषण जनता पार्टी है, ये प्रज्वल रेवन्ना की पार्टी है, ये सच है सब। आप जो मर्जी बोलेंगे, बेशरम झूठा पार्टी है भाजपा, इनको महिलाओं से कोई मतलब नहीं। देश की एथलीट महिलाओं को बैठना पड़ा था 6 महीने की FIR हो जाए, भाजपा ने, दिल्ली पुलिस भाजपा की है, भाजपा ने 1 मिनट में FIR करवा दी जब करनी थी। संजय सिंह ने गलत बोला या आम आदमी पार्टी अब गलत बोल रही है, ये प्रश्न मैं चौथी बार रिपीट कर रहा हूं, और मुझे उम्मीद है ऑडियंस भी जवाब चाहती है। हाथ खड़ा करें जो जवाब चाहते हैं इस बात का, आप इसका जवाब दीजिए प्लीज। मेरी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, उनको जैसे ही पता चला, उन्होंने स्वाति का पक्ष सुना, उन्होंने आकर एक प्रेस वार्ता करी। कपिल शर्मा शो चल रहा है क्या, मजाक करना चाह रहे हैं? वीडियो बाहर नहीं आई थी तब तक, ये वीडियो बाहर नहीं आई थी। जब वीडियो बाहर आई हमने भी एक कंप्लेंट दी, भाजपा की पुलिस से आग्रह है कि विभव कुमार की कंप्लेंट पर कुछ किया जाए। कंप्लेंट तो विभव कुमार ने भी दी है, तो उनकी कंप्लेंट पर भी दिल्ली पुलिस कार्य करेगी? जवाब, जो कभी संभव नहीं हुआ, महिला आरक्षण, जब लोकतंत्र का नया मंदिर बना, कौन लाया संविधान का संशोधन करके वो बिल? नरेंद्र मोदी जी। महिलाओं को आगे प्रधानमंत्री बने, उच्च पदों पे रहे, संवैधानिक पदों पे रहे, ये सुनिश्चित किया है नरेंद्र मोदी जी ने। 11 महिला मंत्री कैबिनेट में हैं, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 11 करोड़ गैस के सिलेंडर नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं। 12 करोड़ शौचालय, जो कि अस्मिता से जुड़ा मामला है, नरेंद्र मोदी जी ने दिया। अब मैं एक बात पूछूंगा, आप मुझे ये बताइए, और ये प्रश्न वो गूगल कर रही है, गूगल कर ले। वैसे अगर विभव कुमार ने कंप्लेंट दी है तो 156(3) क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आप न्यायालय जा सकते हैं और FIR करा सकते हैं। लेकिन ये झूठे अरविंद केजरीवाल के वादे हैं, सुनिएगा। मैं 500 नए स्कूल दूंगा, कितने दिए? 20 नए कॉलेज दूंगा, शांत शांत स्कूल 22,000 स्कूल कहता है कि सरकारी स्कूल बेस्ट है कंट्री में। कितने स्कूल दिए? 22,000 नए स्कूल, नई स्कूल, स्कूल बताना, 22,000। हाँ सुनिएगा, और उसके बाद देखिए बताइए, अरे वो छोड़िए, आप हमें छोड़िए, अपना बताइए। देखा, एक स्कूल नहीं बनाया भ्रष्टाचारी ने,
कितने स्कूल? वो कह रहे 22,000 कमरे बनाए। अरे कमरे स्कूल कितने दिए ये तो बताओ। क्लासरूम ना जी। अरे स्कूल सुनिए, अरविंद केजरीवाल आ गए क्या? अरविंद भैया क्या कर रहे हो? स्कूल नहीं दे रहे हो, बच्चों को टॉयलेट में पढ़ाते हो, कहते हो क्लासरूम है, अपने बच्चे को पढ़ाओगे टॉयलेट में? अरे एक सेकंड, लेकिन उन्होंने देखिए, हाँ मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। आपने पूछा नहीं कितने स्कूल दिए? 500 नहीं देने थे, 10 साल हो गए। लड़की लड़ रही है, सारी पीड़ो इसके, एक लड़की कितना लड़ रही है, ये है लड़ाई। आज ये लड़की स्वाति मालीवाल के लिए लड़ती है। ये थोड़ा सा स्लो है, इनको पता है। हमें छोड़ो अरविंद केजरीवाल, तो ऐसा ढक्कन है जो बंद हो गया है, वो चलता ही नहीं है। ठीक है, जवाब दो। अरे मुंह खोले, गर्मी है, रेफ्रिजरेटर, अरे दही जमा रहे अरविंद केजरीवाल। नहीं मैं तो आपके भाई का, आपके पास आप ये 8 लाख नौकरियां पूछिए। अरे भाई ठीक है, मैं मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, मुझे पब्लिक के बीच में आना पड़ेगा। भाई आप ही लोग मेरा बचाव करिए। देखिए दिल्ली की 7 सीटों के लिए ये जो लड़ाई है ये बड़ी प्रचंड है, और ये लड़ाई प्रचंड इसलिए है कि बीजेपी को लगता है कि उनको 7 सीटों पे काबिज होना है। जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। जी जी जी, सवाल सवालों का सवाल किसके? अपने अपने पॉइंट आप रखिए। ओके ओके, क्या आपका पॉइंट, आपका पॉइंट क्या है? मैम मुझे ये बोलना है, आपने बोला इतने ज्यादा स्कूल्स बनवा दिए, क्लासरूम बनवा दिया, उससे ज्यादा तो आपने ठेके खुलवा दिए। गलत। जी 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 जी, आपका सवाल क्या है? जवाब क्वेश्चन ये है, जब महिला रेसलर्स वाला केस था तब तो स्वाति मालीवाल उनके साथ थी, अब महिला रेसलर्स कहाँ पर है? पॉइंट पॉइंट है आपकी बात के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप लोगों को कोई सवाल है, कोई सवाल पूछा जाता है? जी 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 जी, पूछिए सवाल जी। ये भ्रष्टाचार में बीजेपी से मेरा सवाल है, ये भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन इन्होंने एक वॉशिंग मशीन लगा रखी है, उसमें ये असम के अंदर ये मुख्यमंत्री बनाते हैं तब इनको भ्रष्टाचार नजर नहीं आता, जब नवीन जिंदल को टिकट देते हैं तब इन्हें भ्रष्टाचार नजर नहीं आता, जब नारायण राणे को ये केंद्र में मंत्री बनाते हैं तब इन्हें भ्रष्टाचार नजर नहीं आता, जब अशोक चव्हाण जो आदर्श घोटाले में इतना बड़ा उनका कांड सामने आया था उस पर ये नहीं बोलते। ऐसे लोगों को ये वॉशिंग मशीन में बिल्कुल क्लीन करते हैं और उनको लेके आते हैं, साफ सुथरे हो जाते हैं। ओके, ये एक अच्छा सवाल आया है। देखिए मेरे भाई ने एक सवाल पूछा, बहुत इज्जत के साथ एक बात कहता हूँ, एक नंबर का भ्रष्टाचारी हूँ। देख रहे हैं किसको दर्द हो रहा है, किसको दर्द हो रहा है? अरविंद केजरीवाल के लिए कह रही है एक नंबर का भ्रष्टाचारी है, और साथ में महिला विरोधी भी है। ठीक है, मैं सहमत हूँ। देखिए सुनिए, माता जी, माता जी, मेरी बहना शांत हो जाओ। अरविंद केजरीवाल का गुस्सा मुझ पे मत निकालो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं वादा करता हूँ, मैंने कुछ नहीं बता रहा है। अभी नहीं, आप पीछे देख रहे हो, महिला को शांत करो, मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं तो विभव कुमार ने दोनों आरोप लगा रहे हैं, तो विभव कुमार पे तो गुस्सा नहीं आता, मुझ पर क्यों गुस्सा निकाल रही है? अरे क्योंकि आप बेचारे दरी बिछा रहे हो, अपने नवीन जिंदल टिकट